हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टेट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम जानेंगे विंड लोड एनालिसिस। विंड लोड एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि विंड लोड होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा ग्राउंड है, अर्थ की जो सरफेस है, उस पर हमारा जैसे सरफेस से हम दूर जाते जाएंगे, विंड की इंटेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी, यानी कि हवाएं बड़ी तेज तेज चलने लगेगी जैसे ही हम ग्राउंड से ऊपर की ओर जाते हैं। तो अगर हमारी बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होगी तो उस पे टॉप पे विंड प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि हर फ्लोर पे विंड की जो हवाओं का जो प्रभाव है वो तेज होता जाएगा। तो ये तो बात है कि जितना टॉल स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा उस पर विंड प्रेशर होगा। अच्छा, विंड की प्रेशर की डायरेक्शन क्या होती है? देखिए, हम जो कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं उस पर हम कौन कौन से लोड लेते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, इन सब की डायरेक्शन क्या होती है? ग्रेविटी की डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड ऐसे। पर ये जो अर्थक्वेक फोर्स हैं और विंड लोड फोर्स हैं, इनकी डायरेक्शन होती है हमारी हॉरिजेंटल फोर्स। तो ये हॉरिजेंटल फोर्स जो विंड का है, किस पे डिपेंड कर रहा है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर है विंड कभी तेज चलती है कभी कम चलती है ना? तो हम कौन सी इंटेंसिटी, कौन सी विंड के लिए हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें? तो हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर का पता नहीं, कल जो विंड की हवा, विंड की स्पीड चलेगी, कितनी स्पीड होगी विंड की, कितना प्रेशर होगा, या आज से 2 साल बाद 5 साल बाद कितनी विंड स्पीड की विंड आ सकती है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, उस एरिया का जहाँ पर हम बिल्डिंग बनाएंगे उस एरिया का हम देखते हैं 50 साल 100 सालों तक मैक्सिमम विंड की स्पीड क्या रही है, और हम उस स्पीड को लेके हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया कि वो एरिया जहाँ पर हम बिल्डिंग बनाएंगे, दूसरा फैक्टर हो गया कि हमारी बिल्डिंग की हाइट क्या है, और तीसरा फैक्टर हो गया कि हम कितने साल का डाटा ले रहे हैं मैक्सिमम स्पीड के लिए, विंड स्पीड के लिए। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं हमारे विंड लोड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बिल्डिंग जिसमें हमें विंड लोड लगाना है। तो ये एक पहले से एक मॉडल बना हुआ है, ये विंड लोड मैंने लगाया हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इसको एनालाइज भी कर लेते हैं। एनालाइज करने से पहले आपको पता है ना, एनालिसिस प्रिंट में जाके हम ऑल पे क्लिक करते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं इसको भी एक बार समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे नो प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, नो प्रिंट और ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद एनालाइज करता हूँ, तो नो प्रिंट का मतलब नो प्रिंट, यानी कि ये जो आउटपुट है हमारा, अभी एरर्स आ गए हैं बहुत सारे, बताता हूँ क्यों है। ये जो आउटपुट है हमारा, यहाँ पे कोई डाटा नहीं आएगा बिल्डिंग का। ठीक है, नो प्रिंट का मतलब ये होता है। अभी एरर्स क्या आए हैं, क्योंकि मैंने इसको कुछ अभी डाटा, लोड्स और प्रॉपर्टी नहीं दिए, तो एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी डिफाइन, अभी बस विंड लोड सीखने के लिए हम इसे एक कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी पूरी बिल्डिंग को दे देते हैं। ठीक है, लोड भी चेक कर लेते हैं कोई लोड लगा हुआ है या नहीं। डेड लोड में हमारा ये फ्लोर लोड लगा हुआ है, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। 0 से 24, 0 0 0 0। ठीक है, ये फ्लोर लोड लगा हुआ है। ओके, थोड़ी सी हाइट और बढ़ा लेते हैं। पूरी बिल्डिंग पे डेड लोड लगा हुआ है, फ्लोर लोड। ठीक, एक मॉडल है हमारे पास जिसको हमने प्रॉपर्टी दी है, लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब हम विंड लोड की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विंड लोड का जो इंडियन कोड है वो है 875 IS, 875 Part 3। ठीक है, IS 875 Part 1 है आपका डेड लोड के लिए, IS 875 Part 2 है आपका लाइव लोड के लिए, IS 875 Part 3 है आपका विंड लोड के लिए, IS 875 Part 4 है आपका स्नो लोड के लिए, बर्फ का जो लोड होता है। ठीक है, तो हम इस कोड के अकॉर्डिंग बिल्डिंग को एनालाइज करेंगे। अब देखिए, जो विंड लोड है, हवा जो तेज चल रही है,
उसका हमें क्या पता है, विंड की स्पीड पता है, लेकिन उस स्पीड की वजह से बिल्डिंग पे कितना फोर्स या प्रेशर लग रहा है वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन मैंने गूगल पे सर्च करी टाइम बचाने के लिए, तो हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्च कर ली, ये देखिए। तो सबसे पहले देखिए, इस डाटा से भी पहले हमें एक चीज चाहिए होती है, वो होती है वीबी। वीबी होता है बेसिक विंड स्पीड, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। यानी कि बेसिक जो है वहां की बेसिक विंड स्पीड क्या है उस एरिया की जहां पर आप बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हो। तो उसके लिए हमारा जो IS 875 है उसके लास्ट पेज में आप जाओगे तो वहां पे बेसिक विंड स्पीड दी हुई है, जैसे कि दिल्ली की कितनी है, NCR की कितनी है, इस तरह से सिटीज़ के नाम है वहाँ पे दिया हुआ है कि हर सिटी की कितनी बेसिक विंड स्पीड है। ठीक है, तो जो हमारे दिल्ली NCR की बेसिक विंड स्पीड है वो 47 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, विंड की स्पीड। अब हमें VB मिल गया, VB के बाद हमें निकालना होता है VD, यानी कि डिज़ाइन विंड स्पीड। वो क्या होता है हमारा, वो ये होता है, देखिए यहाँ पे VZ। VZ क्या है आपका, डिजाइन विंड स्पीड। तो डिजाइन विंड स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, K1 फैक्टर है, K2 फैक्टर है, K3 फैक्टर है, और VB। VB तो मैंने बता दिया, हमने IS कोड से चेक कर लिया है कि जिस एरिया में बिल्डिंग बना रहे हैं वहां का VB बेसिक विंड स्पीड 47 है। ठीक है, अब K1 क्या है, तो K1 है रिस्क फैक्टर, कि आप कितना फैक्टर ले रहे हो कितने साल की विंड के लिए, कि हमने मैक्सिमम जो विंड स्पीड आएगी वो 50 साल की ले ली है या 100 साल की ले ली है, तो उसके लिए रिस्क फैक्टर ले लिया। जो हमारे कोड में टेबल्स दी हुई हैं उसके हिसाब से हमने लिया, तो जैसे इन्होंने 1 लिया हुआ है, अराउंड 1 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा K2। K2 है टेरेन कैटेगरी, की बिल्डिंग की हाइट फैक्टर कह सकते हैं इसको हम K2 को, कि बिल्डिंग की हाइट क्या है या वहाँ के जो आसपास एरिया है उनकी बिल्डिंग्स की हाइट क्या है, तो उस हिसाब से हम K2 की वैल्यू ले लेंगे। अब आसपास की बिल्डिंग से क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है कि देखिए जैसे कि आपकी बिल्डिंग ये है ना, और आपके पास जो बिल्डिंग है वो बड़ी बड़ी है और इससे भी लंबी लंबी है, तो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग के वजह से आपकी बिल्डिंग पे तो विंड प्रेशर कम आएगा ना, क्योंकि विंड तो इनके ऊपर आ रहा है, घिरी हुई है आपकी बिल्डिंग, इससे तो डिपेंड करता है ना आसपास की बिल्डिंग कैसी है। ठीक है, तो ये फैक्टर K3 है टोपोग्राफी फैक्टर, वहाँ जहाँ पर आप बिल्डिंग बना रहे हो वो कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, किस टाइप का एरिया है, तो उस पर डिपेंड करता है आपका K3 फैक्टर। K4 फैक्टर डिपेंड करता है साइक्लोन वहाँ पे आते हैं और किस टाइप के साइक्लोन आते हैं, अगर नहीं आते तो हम K4 को नहीं लेते। ठीक है, तो हमने इन तीनों फैक्टर की वैल्यू कोर्ट से ली, VB की वैल्यू भी कोर्ट से ली, और हमें क्या मिल गया, VZ डिजाइन विंड स्पीड, उसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, जैसे इनकी यहाँ पे आ रही है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें VB मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो अभी स्पीड ही मिली है डिजाइन विंड स्पीड, अब हमें चाहिए कि कितना प्रेशर हमारा लग रहा है उस पर। तो एक IIT का एक प्रॉब्लम थी सॉल्व, PDF मिली मुझे, उसमें विंड लोड उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए डिज़ाइन विंड स्पीड उन्होंने निकाली जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, K1 K2 K3 ये सब ले लिए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रेशर निकाला है, डिजाइन विंड स्पीड निकल गई है इनकी 40। तो प्रेशर, विंड प्रेशर जिसकी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितना विंड का प्रेशर लग रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वो इस फॉर्मूले से, PD किसी किसी जगह पे आपको PZ मिलेगा, तो 0.6 इनटू VZ का स्क्वायर, जो विंड स्पीड है उसका स्क्वायर कीजिए, उसमें मल्टीप्लाई 0.6 कीजिए, आपको विंड प्रेशर मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दूँ, K2 जो है हाइट फैक्टर है ना, मान लीजिए 5 मीटर हाइट के लिए K2 की वैल्यू A है, 10 मीटर के लिए K2 की वैल्यू B है, या टेरेन कैटेगरी, तो K2 की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, तो VZ भी आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, VZ1 VZ2, इस तरह से PD भी आपको PD1 PD2 PD3 इस तरह से वेरी करेंगे, आपके बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, है ना, यही हमें वैल्यू चाहिए होती है। तो चलिए हमने PD निकाल लिया है, अब इस PD को हम अप्लाई करते हैं स्टैटप्रो में। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका, यहाँ पे आप जाएंगे लोडिंग, और लोडिंग में जाने के बाद जाएंगे आप डेफिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था जो स्पेशल लोड होते हैं, लैटरल लोड होते हैं, सीज्मिक लोड होते हैं, उनके लिए पहले डेफिनेशन देनी होती है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मैंने डेफिनेशन के प्लस पे क्लिक किया, ये खुल गया, और यहाँ पे है आपका विंड लोड, इस पर क्लिक करके ऐड किया। तो ये फर्स्ट विंड लोड लगा रहे हैं, ठीक है, ऐड कर दिया, क्लोज। अभी जो फर्स्ट विंड लोड आया है इस पर क्लिक करके फिर ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले यहाँ पे कस्टम है, कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो एक दो कोड आते हैं हमारे स्निप, ये रशियन कोड है, तो हमें रशियन कोड पे तो डिजाइन करना नहीं है। तो इसके नीचे एक टैब है कैलकुलेट एज पर ASCE, ये अमेरिकन कोड है ना। इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो लगभग वैसा ही सेम डाटा जैसा अभी मैंने बताया ना आपको कि किस टाइप की बिल्डिंग है, कितने क्या क्या उसके फैक्टर है, वही चीज़ पूछता है ये, और हम यहाँ इनपुट डालते हैं और ये कैलकुलेट कर देता है, यहाँ पे डाटा आपका आ जाता है यहाँ पे डाटा। तो अमेरिकन कोड यहाँ पे क्लिक करके अमेरिकन डाटा देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लोड कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। बट अभी तो हम इंडियन कोड की बात करें तो इंडियन कोड तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हमने तो मैनुअली कैलकुलेट किया है PD। तो मान लीजिए हमारा PD आ रहा है 2.3, एज्यूम कर लीजिए इतनी इंटेंसिटी आ रही है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और बिल्डिंग की हाइट क्या है हमारी 30 मीटर, मान ली 30 मीटर के लिए कॉन्स्टेंट ही आ रही है। तो हम इसमें इंटेंसिटी और हाइट डाली और ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमें फैक्टर लेना है 1। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और कोड के कुछ फैक्टर्स हम डिफाइन करता है, लेकिन अभी हम 1 ले लेते हैं, ऐड, क्लोज। अब ये आ गया है आपका यहाँ पे एक एक्सपोजर का, देखिए क्वेश्चन मार्क है इस पर रेड कलर का, यानी कि इसे कहीं अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हमें अप्लाई करना है पूरे स्ट्रक्चर पर, क्योंकि हम हर जॉइंट, हम ये कह रहा है कि एक्सपोज कौन कौन सा आपका स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोज हैं इन्वायरमेंट में, जहाँ पे हवा प्रेशर लग सकते हैं। देखिए हमारे जब कोई फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है तो वॉल तो बाद में ही बनती है, तो सब चीज़ ओपन होती है, विंड अंदर तक जाती है, तो हम पूरे स्ट्रक्चर को असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी विंड की। अब यहाँ पे मैंने एक लोड केस डिफाइन किया और यहाँ पे टाइप डाला विंड, और इसका टाइटल डाल दिया WX, यानी विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन। भाई चार तरह से हमारी डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन की आ सकती है, एक तो यहाँ से आ सकती है एक्स में, एक माइनस एक्स में, एक पॉजिटिव जेड और एक माइनस जेड, तो चार डायरेक्शन है हमारी, है ना। तो चारों लोड केस डिफाइन करने होंगे, तो हमने लिया पॉजिटिव एक्स। अब इस पर क्लिक करके हमने ऐड किया, यहाँ पे आ रहा होगा आपका विंड लोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आप चाहते हो कि विंड लोड आपकी बिल्डिंग में कहाँ से कहाँ तक लगे, मैं चाहता हूँ बिल्डिंग ग्राउंड से लेकर ऊपर तक सभी में लगे, तो मैंने नॉट कर्सर लेके ग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक किया, 3 मीटर आ रही है, या जीरो ले सकते हो आप, जीरो से, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30, तो मैंने वाई रेंज में डाला 0 से 30। अब इसमें आता है एक्स रेंज एंड वाई रेंज, इसको भी मैं अभी बताऊँगा, अभी इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी केवल वाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब ये कह रहा है विंड वाट फेस कौन सा है हमारा, ये विंड वार्ड, ली वार्ड, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको, ये आएंगे कई जगह पे आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ये विंड वार्ड क्या होता है और ये ली वार्ड क्या होता है, ये एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ गूगल पे सर्च करके। ये देखिए मैंने खोला हुआ अभी तक आएगा, देखिए इस पिक्चर इमेज में देखिए, बाहर एटमोसफेयर पे जो विंड हवा तेज चल रही है उसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग की इस डायरेक्शन में अगर विंड चल रही है, तो इसकी वजह से इस फेस पे हमारे विंड का प्रेशर कुछ इस तरह से लग रहा है। मैंने आपको बताया कि ऊपर जाते जाते जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे हम विंड की स्पीड बढ़ती है, तो विंड प्रेशर उसी तरह से लग रहा है। जब किसी की एक फेस पे हमारा विंड प्रेशर लगता है ना किसी स्ट्रक्चर पे, तो एक सक्शन प्रेशर हमारा डेवलप हो जाता है स्ट्रक्चर में, इसको ये तो पुश कर रहा है आपकी बिल्डिंग को, है ना, ऐसे पुश कर रहा है ऐसे, है ना। लेकिन ये जो प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट हो गया, इसकी वजह से अदर वॉल्स पे ये है पुश या पुल कर रहा है, ये आपकी बिल्डिंग को इधर पुल कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है आपका और यहाँ पे आपका विंड लग रही है बड़ी तेज, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये जो फेस है आप देख रहे हो इस तरह से हो रहा है ना, पुल हो रहा है ना, तो ये एक प्रेशर हमारा जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो वो ये प्रेशर है, तो मैंने, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए और फैक्टर हम 1 ले लेते हैं और 0 से 30 और ऐड कर देते हैं। एक और चीज़, ये ओपन जो है, ओपन स्ट्रक्चर, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। पहले हमने ऐड कर लिया, इसको असाइन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे क्लिक करके देखोगे आप तो एक्स डायरेक्शन में हमारा प्रेशर लग चुका है, ठीक है, ये लग चुका है एक्स डायरेक्शन इस वॉल पे। अब इसी में डबल क्लिक करके गाड़ता हूँ ओपन स्ट्रक्चर, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ चेंज करता हूँ तो ये क्या है, ये यानी कि अगर हमारा स्ट्रक्चर ओपन है, कोई वॉल नहीं है,
अगर कोई वॉल नहीं होगी, सारा ओपन स्ट्रक्चर होगा, तो हमारा जो विंड का प्रेशर है वो अंदर तक जाएगा, है ना। यानी कि हमारा जो विंड लोड है वो इस बीम पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, अंदर इस पे भी लगेगा, सब जगह लगेगा, हर जॉइंट पे, हर बीम पे लगेगा। तो अगर ओपन बिल्डिंग है तो हम उस ओपन पे क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर होल है, क्लोज है हमारा स्ट्रक्चर, तो हम ओपन पे नहीं करेंगे, ऐसे आउटर आउटर पे हमारा विंड लोड लगेगा। ठीक है, अब मुझे लगाना है इस प्रेशर पे, इस डायरेक्शन में प्रेशर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक और लोड केस बनाया जिसकी मैंने वैल्यू रखी विंड लोड डब्ल्यू माइनस एक्स। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब इस पे क्लिक करके ऐड किया मैंने विंड लोड। यहाँ पे समझने वाली चीज़ होगी, अब माइनस एक्स में ले लूँ यहाँ पे, नहीं, क्योंकि ये जो आपका दिया हुआ है माइनस एक्स और माइनस जेड, ये लीवार्ड प्रेशर दिया हुआ है। लीवार्ड मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड। एक बार लगा के देखते हैं। माइनस एक्स ले लिया, 0 से 30 ले लिया मैंने, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर, देख रहे हो आप, अंदर प्रेशर लग रहा है, ये वाला प्रेशर, लीवार्ड वाला, ये वाला प्रेशर लग रहा है, जबकि हमें लगाना क्या है, इस डायरेक्शन में विंड फोर्स लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, इस पे ना लगा एक्स में रहने देंगे और यहाँ फैक्टर -1 ले लेंगे, चेंज। ये देखिए, हम यही तो चाहते थे, इस तरह से हमारा प्रेशर लगे। इसी तरह से हम डब्ल्यू जेड डायरेक्शन में ले लेंगे और ये हमारा विंड लोड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एनालिसिस कर देते हैं। एनालिसिस हो गया, जरा हम देखते हैं कि बिल्डिंग में क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है एक्स डायरेक्शन में फोर्स की वजह से। तो डिफ्लेक्शन मैंने ऑन किया है, तो देख रहे हो आप, ये देखिए, ये हमारी जो ओरिजिनल बिल्डिंग है, ये ब्लैक लाइन और ये ग्रीन जो है ये डिफ्लेक्टेड शेप है। अगर इसको हम एनिमेट करें, एनिमेट करके देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पे टीवी है, ये छपरा है, इस पर क्लिक किया और मैं एनिमेट के लिए केवल ले रहा हूँ डब्ल्यू एक्स फोर्स, ठीक है, ओके कर दिया और यहाँ डिफ्लेक्शन किया और यहाँ ओके कर दिया। तो देखिए एक्स डायरेक्शन विंड की वजह से ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी बिल्डिंग। तो ये था आपका विंड लोड एनालिसिस। स्कैप दबा के आप बेंडिंग मोमेंट भी देख सकते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट है आपका विंड लोड की वजह से, और ये है माइनस विंड लोड की वजह से, और ये है डेड लोड की वजह से। लेकिन हम बिल्डिंग को डिज़ाइन किसकी वजह से करेंगे, तो उसके लिए हमारे काम आते हैं लोड कॉम्बिनेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लोड कॉम्बिनेशन किस तरह से काम आते हैं। अगर ये वीडियो आपके हेल्प आई हो तो प्लीज़, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। अगर आप कुछ भी चीज़ें, लीवर्ड, ये प्रेशर, ये कोफिशिएंट, ये कैसे लेते हैं, सब कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। तो बट इतना बहुत है आपके लिए सीखने के लिए, काफ़ी है स्टार्टिंग के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।